में चक्की आटा लगा रहा है और यहाँ मेरे काम किचन के सारे स्टार्ट हो चुके हैं। कुकर लगा दिया है, आटा लगा दिया है और सब्जी छौंकनी है और तेल भी मैंने रिफिल कर दिया है। आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, यह है सेम तेल जो मैं यूज़ करती हूँ, यह है गेमी लाइट ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें से मैं ट्रांसफ़र करती हूँ इस छोटी सी जार में। सबसे पहले इसमें रहता है और इसमें से फिर इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ यूज़ करने के लिए और उसके बाद में मैं इसमें डालती हूँ। और आज बहुत सारे काम हैं, आज मुझे ये है मलाई, आज 11 है तो इसको मुझे पीसना है। वो फटाफट से सबसे पहले मैं यहाँ खाना बना लूँगी और उसके बाद में सारे काम करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए, संडे के बाद मंडे आते ही सारी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे मंडे की शुरुआत होते ही सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ देखिए तेल ख़त्म हो गया था तो बस उसी को मैंने रिफ़िल कर दिया है और यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्ज़ी बना रही हूँ कैबेज की और उसमें मैं डाल रही हूँ बीटरूट। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि कैबेज की सब्ज़ी में बीटरूट, तो हाँ जी मैं डाल रही हूँ बीटरूट। मैं जब साउथ गई थी तब मैं इस तरह की सब्ज़ी मैंने कैबेज के साथ में कॉम्बिनेशन देखा था और मुझे उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगा था, तो बस उस टाइम से ही मैं भी इस तरह से कैबेज के साथ में बीटरूट डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कैबेज के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है, मटर हो गया है, आलू हो गए, ऑनियन हो गया या फ्लावर हो गया, बैंगन हो गया, बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन बीटरूट कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन साउथ में कैबेज की सब्ज़ी इस तरह से बनाई जाती है। तो सब्ज़ी में मैंने 2 आलू बॉईल करके डाल दिए हैं और साथ ही साथ मैंने 2 बीटरूट भी कट करके डाल दिए हैं और 2 बीटरूट मैंने रख दिए हैं सलाद के लिए। तो यहाँ सब्ज़ी के लिए ले लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है सेंधा नमक। दाल में जो अभी मैंने नमक डाला वो था सेंधा नमक। आप वाइट नमक देख के सोच रहे होंगे कि शुगर होगा, लेकिन शुगर नहीं बल्कि सेंधा नमक है। पिंक सॉल्ट के बदले इस बार मैं सेंधा नमक लेकर के आई हूँ, वाइट वाला। तो बस यहाँ कड़े में देखिए तेल गरम हो गया तो उसमें डाल दिया मैंने राई, जीरा, मेथी डाला और साथ ही साथ 1/4 चम्मच हींग पाउडर और कुछ करी लीव्स और सब्जी जो हमने कट करके रखी थी बस उसको मैंने डाल दी है। और यहाँ एक बड़ा सा टमाटर था बस उसी को मैंने कट करके सब्जी में ऐड कर दिया है और सारी सब्ज़ी अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे और कर देंगे कुछ एक पाउडर मसाले। तो मसालों में यहाँ ऐड किया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, साथ ही साथ स्वाद के हिसाब से नमक। बस एकदम सिंपल सी सब्ज़ी है और इसका स्वाद लेकिन बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और बीटरूट डालने के बाद तो इसका कलर जो इतना अच्छा बढ़िया वाला निकल के आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारे घरों में, नॉर्थ इंडियन जितने भी घर हैं उसमें कैबेज की सब्ज़ी बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखी है, लेकिन बीटरूट वाली सब्ज़ी शायद ही किसी ने देखी होगी, लेकिन ये साउथ में मोस्ट पॉपुलर सब्ज़ी है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और जब सब्ज़ी थोड़ी 50% डन हो जाए उसके बाद में 1/2 चम्मच इतना गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ देखिए तेल भी ख़त्म हो गया था, रिफ़िल कर दिया, अब देखा तो घी भी ख़त्म हो गया था तो उसे भी रिफ़िल कर दिया है। तो यहाँ मैं आपको अपनी धनिया का जो डब्बा है वो दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। तो यहाँ धनिया के पत्ते जो हैं मैंने टिश्यू पेपर में कट करके साइड में रख दिए हैं और उसके धनिया के जो डंठल है उसे भी मैं उसी डब्बे में स्टोर करती हूँ। और धनिया के डंठल मैंने पहले भी आपको कहा है, कभी भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा, हमेशा स्टोर कीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी में, चटनी में या फिर आप सूप बनाएँ या ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएँ उस सब में आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही गेम चेंजर है, तो आप ज़रूर से स्टोर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए बातों ही बातों में मैंने दाल का तड़का भी लगा दिया है, तड़का हो गया है तैयार, तो बस उसी को ऐड कर देंगे दाल में।
तो यहाँ सब्जी भी साथ ही साथ में पक रही है और एक तरफ चक्की भी चालू है। तो आज तो मुझे फटाफट से सारे काम निपटाने हैं और जिस दिन मैं आटा चक्की लगाती हूँ उस दिन तो मेरे डबल ही काम हो जाते हैं और आटा चक्की एटलीस्ट मुझे दो दिन तक चलानी पड़ती है, तब जाके मेरे आटा सारी अलग अलग तरह के मैं आटा पीस करके तैयार करती हूँ। फर्स्ट डे मैं मकई का आटा, बाजरे का आटा, नाचनी का आटा, ढोकले का आटा, बहुत सारे अलग अलग आटा जो है वो सारे पीसती हूँ और सेकंड डे मैं गेहूँ का आटा पीसती हूँ। लेकिन आज तो सारे आटे मैंने पीस करके तैयार हो चुके थे, थोड़ा गेहूँ का भी मैंने पीस लिया है और बाकी का आटा मैं कल तैयार करूँगी। तो चलिए यहाँ अब मैं कर रही हूँ रोटी की तैयारी, सब्जी हो गई है, दाल भी उबल गई है, तो बस अब यहाँ फटाफट से दो रोटी बना करके सबसे पहले मैं अपनी बेटी को दे दूँगी जिससे वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाएगी और उसके बाद में मेरे हस्बैंड की पूजा भी हो जाएगी, तब तक मैं नहा के आऊँगी और तो उसके बाद में हमारी भी रोटियाँ सेक करके तैयार कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से खाना लगा देती हूँ मेरी बेटी के लिए और उसके बाद में मैं फिर से मिलती हूँ आपको नहाने के बाद में। कर रही है और यहाँ उसको मैंने सलाद नहीं दिया है क्योंकि उसको सलाद खाने के साथ में पसंद नहीं है, तो बस वो अपना खाना फिनिश करेगी फिर जाएगी कॉलेज। और ये है हॉल की बालकनी का व्यू, वहाँ पर सिटिंग पे मैंने सारी सब्जियाँ कट कर रही थी, बस वो ऐसे ही छोड़ दी है, बस उसको मैं अभी सारी क्लीन करूँगी और फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर से जैस्मिन के फ्लावर आए थे, बस वो उसी को मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही सुंदर से फ्लावर आए हैं, ये गणेश जी को चढ़ते हैं मोस्टली, लेकिन आज बहुत सारे फ्लावर आए हैं, गणेश जी को भी चढ़ेंगे और कृष्णा जी को भी चढ़ेंगे। तो चलिए खाना पीना सबका हो चुका है, अभी चक्की मैंने जस्ट बंद कर दी है, आधा आटा मैंने पीस लिया है और आधा मैं कल पीसूंगी और अभी देखिए किचन में ले चलती हूँ। आधा आटा मैंने पीस लिया है, अभी आधा आटा मैं कल पीसूंगी और अभी सारे बर्तन धोने हैं, प्लेटफॉर्म क्लीन करना है, प्लेटफॉर्म क्लीन करना है, बर्तन धोने हैं, ये सारी चीज़ें मैं काम करूँगी। और सुबह मिर्च लेकर के आई थी, बस उसी को धो करके वॉश करके रखी है, अब जो सूख चुकी है उसे भी मैं कपड़े में लगा दूँगी और धूप भी ठंडा हो चुका है। शाम के 5 बज चुके हैं और थोड़ा फुल एडिटिंग बाकी था, बस वो फिनिश किया और अभी देखो बेटी कॉलेज से आ चुकी है, उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी है तो क्या कर रही है, चलिए देखते हैं किचन में। तो आ चलिए किचन में देखते हैं क्या चल रहा है किचन में। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी बना रही है अपने लिए मैगी और साथ ही साथ उसके भैया ने भी बोल दिया है मेरे लिए भी मैगी बना देना, बस दोनों भाई बहन नाश्ते में भी मैगी खाएंगे। तो उसको मैंने बहुत बार मना किया है कि मैं थोड़ा फ्री होकर कुछ बना के दे दूँगी, लेकिन नहीं, उसको तो बस मैगी ही इतनी ज़्यादा पसंद है, कभी भी कुछ भी नाश्ता भूख लगी है कुछ भी छोटी मोटी तो बस मैगी ही चाहिए।
और यहाँ देखिए हॉल की विंडो में चिड़िया आई थी, तो बस उसका मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया है। और ये चिड़िया अभी विलुप्त तो होती जा रही है, लेकिन मुझे दिख गई मेरी विंडो में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो बस मैंने कैप्चर कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो चलिए इनकी मैगी बनेगी, उसके बाद मुझे थोड़े काम है। तो सबसे पहले मुझे बनाना था, सुबह ही मैंने आपको बताया था मक्खन बनाना था, तो बस यह मक्खन मैंने बना दिया है। और मक्खन कैसे बनाया है उसकी वीडियो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत काफ़ी लंबी बन जाएगी। और ये है मिश्री, तो आज एकादशी है तो कृष्णा जी को भोग लगाने के लिए मक्खन तो तैयार कर दिया है, और सब मिश्री को थोड़ा सा कूट करके छोटे टुकड़ों में कट कर दूँगी जिससे मैं भोग लगा सकूँ। तो बस मिश्री को मैंने इसी तरह से हमाम दस्ते में पीस लिया है। तो चलिए सबसे पहले मक्खन और मिश्री का भोग लगा देते हैं कृष्णा जी को। तो मंदिर से प्रसाद की कटोरी लेकर के आती हूँ। ये है प्रसाद, सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करते वक्त हमेशा ही थोड़ी सी शुगर प्रसाद में प्रसाद के तौर पे रखते हैं, तो बस वही सुबह का प्रसाद है, उसी में मैं मक्खन रख दूँगी और साथ ही साथ मिश्री भी रख दूँगी। चलिए भोग लगा देते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा मक्खन मैं निकाल रही हूँ घर के लिए, क्योंकि अभी विंटर सीजन है तो थोड़ा बहुत रोटला वगैरह बाजरे का या मकई का रोटले के साथ अच्छे लगता है मक्खन, तो बस उसी को मैंने रख दिया है थोड़ा सा निकाल करके। और बाकी के मक्खन का मैं घी बना लूँगी। और आज मैं जा रही हूँ मंदिर, तो वहाँ पर भी मैं आपको किस तरह से कृष्णा जी की आरती होती है वो भी आगे आपने आपको दिखाऊंगी। तो चलिए कृष्णा जी को भोग लगा दिया है, मक्खन मिश्री का क्योंकि कृष्णा जी को तो लगा दिया है अब, और कृष्णा जी को खिला भी दिया है। मेरे वहाँ इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, सबसे पहले पूजा होती है तुलसी जी की, उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के। बेसन ले लिया है मैंने तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच, ये 2-3 जन के लिए बेसन इनफ हो जाता है, और मुझे थोड़ा बेसन पतला ही बनाना है इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। आपको ठीक बेसन पसंद है तो आप एक आध चम्मच बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा पानी मिला करके हम उसकी पतली सी पेस्ट बना लेंगे, और जब गुठलियाँ अच्छे से निकल जाए उसके बाद में थोड़ा और पानी मिला करके उसे फूलने के लिए रखेंगे। ले ली है और 3 से 4 लहसुन कली ले ली है। और यहाँ बेसन बनाने के लिए मैंने 1 प्याज को कट करके रखा है, साथ ही साथ धनिया लीव्स, कुछ करी लीव्स और मिर्ची और लहसुन को कुट करके लिया था, बस वो तैयार कर दिया है। तो अब सब्जी बना लेंगे सबसे पहले। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 3 चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होते ही उसमें ऐड करेंगे राई और जीरा और 7 से 8 मेथी दाना, उसे अच्छे से हम स्प्लैटर होने देंगे। उसके बाद में ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच जितनी हींग और कुछ करी लीव्स, और सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन और मिर्ची को जो हमने कूट करके रखा था उसे थोड़ा सौते होने देंगे। उसके बाद में ऐड कर देंगे प्याज और उसे भी अच्छे से तेल में सौते होने देंगे। उसके बाद में हम करेंगे कुछ 1 पाउडर मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और स्वाद के हिसाब से यहाँ नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और 2 सेकंड के लिए सौते करेंगे। और उसके बाद में जो हमने चने का घोल रेडी करके रखा है बस उसको हम ऐड कर देंगे।
अदरवाइज इसमें गुटलियाँ पड़ सकती हैं। तो यहाँ बेसन बहुत ही जल्दी से ठीक होने लगता है और बेसन थोड़ा मुझे पतला बनाना है। अब मैं फिर से उसमें ऐड कर दिया, फिर से ऐड कर रही हूँ हाफ कप जितना पानी, और पानी आपको हल्का सा गुनगुना ही लेना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और बेसन पक रहा है तब तक आटा लगा देंगे। कोबा बाटी के लिए यहाँ मैंने लिया है मोटा गेहूं का आटा। अगर आपके पास मोटा गेहूं का आटा नहीं है तो आप रेगुलर वाला गेहूं का आटा ले सकते हैं और उसमें एक चम्मच जितना रवा ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद में ऐड कर दिया है नमक और साथ में साथ मोइन के लिए 3 से 4 बड़े चम्मच घी। अगर घी नहीं मिलाना चाहते हैं तो तेल का मोइन भी लगा सकते हैं। और मोइन लगाने के बाद में अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। और आटे में अच्छे से मोइन को मिक्स कर लेने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके हम एक सख्त डो लगाएंगे। तो आटा आपको काफ़ी सख्त लगाना है। तो यहाँ देखिए आटा तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम घी लगा करके ग्रीस करेंगे और अच्छे से मल देंगे। तो आटा तैयार हो चुका है। तो बेसन को भी चेक कर लेते हैं और बीच बीच में आपको बेसन में एक स्टर देना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज बेसन नीचे लग सकता है। तो यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट हो चुकी हैं और बेसन 80% कुक है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ धनिया, और धनिया ऐड कर लेने के बाद में इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अभी हम 2 से 3 मिनट के लिए और बेसन को हम पकाएंगे। धनिया मिलाने के बाद मैं बेसन को रख दूंगी मैं दूसरे गैस पे, और तब तक मैं बाटी की भी तैयारी कर लूँगी जिससे बाटी भी हो जाएगी और बेसन भी पक जाएगा तब तक। तो यहाँ बेसन को रख दिया दूसरे गैस पे और तवा भी लगा दिया है मैंने, और अब बना रही हूँ मैं बाटी। तो बाटी बनाने के लिए एक बड़ी सी साइज का बॉल लेना है और उसकी मोटी सी थीक सी रोटी बनाकर बेल करके तैयार करनी है, और तवा हल्का सा गर्म हो जाए तब हमें इस रोटी को डालना है। बाटी हमें काफ़ी थीक रखनी है जिससे हम इसमें कोबा बहुत अच्छे से लगा पाए। तो यहाँ तवा हल्का सा गर्म हो चुका था तो बस मैंने बाटी डाल दी है, और यहाँ देखिए बेसन भी हो चुका है। तो बस अब हम गैस को कर देंगे बंद, बेसन डन हो चुका है। तो यहाँ बाटी सिक रही है, तब तक दूसरी भी बाटी बेल करके मैं तैयार करूँगी। और आटा आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मैंने सख्त लगाया है, हाथों से अच्छे से मसल के फिर ही आप बाटी बेलिएगा, अदरवाइज़ बाटी आसपास से फट सकती है। तो यहाँ हल्की सी बाटी देखिए सेक चुकी थी तो बस उसे मैंने पलट दिया है, और पलट देने के बाद में हम इसमें लगाएंगे गोबा। तो बस हाथ से इस तरह से आपको चपटे लगाने हैं राउंड राउंड में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको चपटे लगाने हैं। और बहुत ही केयरफुली कीजिएगा क्योंकि रोटी काफ़ी गर्म है। तो बस मेरे को भी इतनी ज़्यादा गर्म लग रही है कि मैं बार बार अपने हाथ चेंज कर करके इसमें गोबा लगा रही हूँ। तो बस गोबा लगा दिए हैं, अब बाटी को एकदम स्लो गैस पे ही इसे सेकनी है। आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल भी फास्ट नहीं करनी है, एकदम स्लो फ्लेम पे ही सेकनी है जिससे बाटी बहुत अच्छे से अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। तो चलिए यहाँ बेसन देखिए मिक्स हो चुका है और अच्छे से पक भी गया है। तो बस मैं कर लूँगी गैस को बंद और बाटी को भी चेक कर लेंगे। और मैंने घी रखा था, अब मक्खन रखा था, तो बस यहाँ आपको दिखा रही हूँ घी भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ देखिए बाटी सेकते हुए 5 मिनट हो चुकी है और हल्की हल्की से अब सेकनी स्टार्ट हो चुकी है, और अच्छे से पलट पलट के चेक करते रहना है और अच्छे से सेकना है बाटी को, और चारों तरफ से अच्छे से सेक जाए। उसके बाद में इस तरह से जाली पे रख करके हमें उसे सेकनी है दूसरी ओर से, और गैस की फ्लेम रखनी है एकदम स्लो, और तवे पर डाल दी है मैंने दूसरी बाटी भी। और वीडियो रिकॉर्ड कर रही है मेरी बेटी, तो बस वही बोल रही है कि आप
वह बाटी में चपली किस तरह से लगाते हैं, कोबा किस तरह से लगाते हैं, वो मुझे देखना है। तो बस उसी को मैं दिखा रही हूँ। बाटी देखिए एक तरफ सिक चुकी थी तो मैं लगाने लगी हूँ गोबा। तो उसने वही बोला कि अगर हाथ जल रहे हैं तो हम गोबा किस तरह से लगाएंगे। तो बस मैं उसको एक इजी टेक्निक बता रही हूँ, निंजा टेक्निक, ये है चिपिया, बस उसी से मैं गोबा लगा रही हूँ। तो अगर हाथ आपके काफ़ी जल रहे हैं तो आप इस तरह से चिपिया से भी आप लगा सकते हैं गोबा, लेकिन मेरे को नहीं जम रहा था तो फिर मैंने अपने हाथ से ही फिर से गोबा लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हाथ से लगाने से एक अच्छी डिज़ाइन भी आ जाती है। और पहले से ही हाथ से लगाए हैं गोबा तो अब मेरे को चिपिया से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो बिगनर है जिसको नहीं जम रहा है तो वो इस तरह से चिपिया से भी गोबा लगा सकते हैं। तो बस एक तरफ रोटी चेक करती जा रही हूँ और दूसरी रोटी में गोबा लगाती जा रही हूँ। रोटी को भी चारों तरफ से अच्छे से हमको सेक करके तैयार करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाटी रेडी है। तो अब लगा रही हूँ मैं थाली। तो चलिए आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म बेसन और ये है गोबा बाटी। तो यहाँ हमने गोबा लगाया है, इसमें हम भर लेंगे सबसे पहले घी और इसमें बहुत ढेर सारा घी भरिएगा। और ये बाटी खाने में बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट रहती है। और ये है आज का देसी खाना, गोबा बाटी और बेसन थाली लगाती है। चलिए गाइस आप भी आ जाइए डिनर एंजॉय करने के लिए, गोबा बाटी और बेसन की सब्जी। आप देख सकते हैं बर्तन धुल चुके हैं, प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है। तो बस ये प्लेटफॉर्म के सारे कपड़े जो हैं बस ये कल सुबह जाएंगे सारे धोने में। तो चलिए आज की वीडियो शायद आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, नए हैं द चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।